आजाद भी कहाँ बने आजकल लौकत नहीं थी। अब तो मुंबई में बनी फिलहाल और अब मुंबई में ही कंटिन्यू रहेगा और ज्यादातर काम यही से करेगा। मैंने हमारा कहे के मतलब कोनो धमाकेदार गाना लिखे अब आई अब शुरू कर दल बनी और बहुत जल्द खेसारी भैया की आवाज में भी आई। अक्षरा जी के साथ भी चला था काम तो रिकॉर्डिंग में चल रहा तो आई मैंने भीतरिया काम होता है बाहरी ओपन नहीं किया भाई। हाँ तो थोड़ा सा अंदर प्रोसेस टाइम लगेगा ना। अच्छा मैं टना डाल के आज ओपन हो गए कि खेसारी जी के साथ अक्षर के साथ बहुत अच्छा अच्छा गाना है। बिल्कुल कंटिन्यू आई और सबके साथ आई बढ़िया बढ़िया गाना है। मैंने काची के कौन गाना है मैंने कौन प्रकार के गाना है बाबा धाम के भी कुछ भाई लगाना और लोकगीत का भी तैयारी चल रहा था तो दोनों है। और काका करे के विचार बाटे गाना तो रुआ गाले ने एक्टिंग के क्षेत्र में कबूतर तो जब जब वक्त मिलेगा कि मैं अपने लिए गाना करूँ तो करते रहूंगा बीच बीच में। तो मैंने पहले भी बोला है कि मैं कंटिन्यू करते रहूंगा जैसे डेली नहीं कर सकता मैं डेली। अब चलूंगा सीजन गाने ये गाओ वो गाओ तो उतना हो नहीं पाता क्योंकि मेरा मेन बेस जो है राइटिंग का है। तो सबसे प्रथम जो है जहाँ से आ रहा है माल तो पहले उस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए अब तो 1 लाख के चेक आगे लोगों से कुछ मिली हमियों के बिल्कुल सब आप ही लोग का है। अच्छा आजाद भी एक और बात बताइए इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में सबसे बड़े का बा कि अब तक कंपटीशन 1 लाख के चेक आउट तो ही बढ़ गई लोगों के उससे डर बा कि उससे शुरू से डर बा मन में कि हाँ भाई अपना से आगे निकल जाए राइटर अच्छा है हमें खाली नुकसान बटे। नहीं नहीं ये सब भावना तो मैं कभी रखा ही नहीं अपने जीवन में और सारे गीतकार भी जानते हैं सारे संगीतकार भी जानते हैं मैं कभी कंपटीशन की वजह से नहीं लिया क्योंकि अगर ये मैं सोचता तो मैं खुद ही यहाँ पे नहीं होता। मेरे से पहले विनय बिहारी जी थे व्यारव कवि जी थे बहुत लोग थे मोहम्मद अबादी जी थे। अगर ये सोच लिया जाए कि पवनो आएगा कि ये हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं था। जो जिसका जहाँ स्थान है वो वही रहेगा। आजाद सिंह कोई नहीं बन पाएगा ना मैं कोई और बन पाऊंगा। जो जिसमें जो टैलेंट है वो वही रहेगा। तो मैं जो लिखता हूँ मैं लिखता हूँ बाकी जो गीतकार लिखते हैं वो अपना सबके अंदर एक अपना अपना क्वालिटी है। तो मेरे हिसाब से किसी को भी किसी गीतकार से डर नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपको भी मिलेगा। जो जो जैसा मेहनत करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। फिल्मों में कब लॉन्च हो रहे हैं फिल्मों में बहुत पहले मैं लॉन्च हो चुका हूँ। री एंट्री कब कर रहे हैं री एंट्री कभी देखिए हम लोग को कैसा एंट्री मिलता है ऐसा ही सेट पे रहते हैं तो अचानक कोई रोल आ जाता है कि एक सीन भाई आजाद भाई आ जाओ आप कर लो तो ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं। संघर्ष में मैंने किया था खेसारी भैया की मूवी थी खून भरी माँ सॉरी लहू के दो रंग उसमें मैंने किया था। और वैसे इसे प्रॉपर गाने में एज द हीरो अपार है वैसे सेकंड लीड थर्ड लीड फर्स्ट लीड कब कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा क्या चाह रहे हैं उनको गांव भेजना चाहते हैं क्या नहीं पता चलेगा सब हीरो कवर्ट जाएंगे बड़ा इसको पहले इस राइटर को ये हीरो बन रहा है काहे जब वैसा कुछ नहीं है। नहीं मैं मेरे अंदर है ही नहीं कि मैं वैसा कुछ करूँ। मैं हीरो बनने के लिए कभी सोचा भी नहीं हूँ और भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं है। गाने का थोड़ा सा है तो वो मैं अलग टाइप से जिसे मैंने किया था कहा तो उसी टाइप से कुछ मेरे पास आएगा मैटर तो मैं अपने लिए बीच बीच में करते रहूँ। जैसे क्या होगा कि सबके अंदर भगवान ऊपर से गुण बना के भेजेना दे के भेजेना तो हमारे अंदर वो गुण नहीं थे एक्टिंग वाला क्या हमने थोड़ा शर्म ज्यादा लगे कैमरा के सामने एक्टिंग करे थोड़ा सा अपने आप के। दूसरी चीज की अब राइटर का जो छवि हो जाता है ना कि गुरुतुल्य कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग कुछ मानते हैं तो जो वादा मिल गया हम लोग को ना तो अब वो नहीं होता है कि नाचो गाओ ये सब नहीं हो पाता है। अच्छा आप में दो चीजें चल रही है एक तो कोका कोला आई वो ढोड़ी गाने छीलते आजाद जी इस प्रकार गाने कब लाते हैं। मैं जानते हैं कि मैं ढोड़ी छील दे ये सब सब चीजें मैं नहीं करता यूज तो मेरे जो गाने आएंगे हमेशा अलग छवि दिया है। मसाले में भी लिखता हूँ ऐसा नहीं कि मैं रामायण लिखता हूँ क्योंकि रामायण चलता भी नहीं है अपने यहाँ तो मसाले लिखता हूँ पर मेरा पर्दे में रहता है। जैसे कि सबका था मैं लिखा था सच के सवार के लिखा था बहुत सारे गाने मेरे हैं लिया से दवैया है बालन
मैंने हमेशा पर्दे में काम किया और फ्यूचर में भी पर्दे में ही काम करेंगे, क्योंकि अच्छे गाने भी बजते हैं और गंदे गानों का लाइव बहुत ज़्यादा होता नहीं, आते हैं बहुत शादी में ढक की तरह 10 दिन 15 दिन 1 महीने बजते हैं, उसको गायब हो जाते हैं। कोका कोला अच्छा गाना है, वो देखिए कंटिन्यू चलेगा, आगे भी चलेगा। और नतुनिया आया है, देखिए लिरिकल जो अच्छा होगा, जिसके शब्द अच्छे होंगे, वड़पन नहीं होगा, वो लंबा चलेंगे गाने, वो 20 दिन 15 दिन वाले गाने में वो सालों साल चलेंगे। लेकिन ये सब फालतू चीज़ें जो आते हैं, वो जो बदन का नाम ले लेना, अंग का नाम ले लेना, तो वो सब चलता नहीं है। वो अगर मान लीजिए किसी ट्रैक पे बच गया तो बच गया, वो 10-15 दिन का बाजार होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई मत करिए आप लोग, क्योंकि इससे पूरे भोजपुरी बदनाम होती है, सभी बदनाम होते हैं, जो अच्छा करते हैं वो बदनाम होते हैं, जो गंदा करते हैं वो बदनाम होते हैं। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं राइटरों की छवि तो झलकती खराब दिखती है ना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो धोनी जाने छिंदम की सिंगर थी, उनका कहना कि ये भक्ति गाना है। पता नहीं, चले मुझे तो आजादी चाचा दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि इस बार बोलबम पे खूंटा गराई ना, ये कभी उतना हमको खूंटा गड़ वाली बात, हमने अपना अच्छा प्रयास किया है लिखने का, जहाँ तक जितना मुझे मौका मिला है तो मैंने अपना बेहतर देने का कोशिश किया है। बाकी बजने बजाने वाले तो दर्शक हैं, दर्शक जो पसंद आया दर्शक को, दर्शक किसी को भी उठा सकते हैं, तो ढोड़ी जन छील को भी उठा सकते हैं, तो दर्शक को सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम अपना बेहतर काम करने का कोशिश कर रहे हैं और आगे भी सदैव करते रहेंगे, और बढ़िया से बढ़िया मैटर आप लोग के बीच जरूर कोशिश करेंगे। चलिए अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों ये हमारे साथ थे आजाद सिंह जी, इनसे काफी तीखे अच्छे बुरे और 1 लाख वाले भी सवाल हुए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, मैं वापस इनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। ये हमें पता चल गया है कि बोलबम में खेसारी जी के साथ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। धन्यवाद।